बंदा क्या करेगा? एक्सपोर्ट आपने खत्म कर दिया, इंपोर्ट आप होने नहीं देते। चाय बनाने के लिए, दूध उबालने के लिए गैस चाहिए था, वो भी आपने 50 रुपए बढ़ा दिया, सीधा 50 रुपए। तेल कंपनियों से इनकी साझेदारी हो रखी है, तेल बढ़ा देते हैं, 100-100 रुपए लीटर कर देते हैं। जो कनेक्शन 1400 रुपए का मिलता था, वो नया कनेक्शन अब 2150 रुपए का कर दिया। आज इन्होंने 144,000 लगाई। क्या हम आतंकवादी हैं? जो 144 इन्हें महाराष्ट्र में लगानी चाहिए थी, जब इन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भंग किया, वो 144 यहाँ बना रहे हैं। वहाँ पे आप MLA खरीदते हो, और यहाँ उनके पैसे बढ़ाने के चक्कर में जो पैसे आपने उन MLA को दे के अपनी सरकार बनाई है, वो पैसे आप गरीब लोगों से उगाते हो, जिसकी एक MLA की कीमत कितनी हुई? 50 रुपए ही। मोदी जी, इस 50 रुपए से आप जो MLA खरीद के लाए हो ना, ये आपकी लंका को दहन बहुत जल्दी करने वाली है आम आदमी पार्टी। एक्सपोर्ट आपने जीरो कर दिया, इंपोर्ट आप होने नहीं देते। जो चीजें आती हैं फसलें, वो महंगी कर देते हो। पहले किसानों को तंग किया, अब युवाओं को तंग कर रहे हैं। नई नई योजना ला रहे हैं, मनगढ़ंत योजनाएं। ये सोच रहे हैं शक्तिमान है, घूमेंगे और जादू हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम सक्षम है अपनी रोटी कमाने के लिए, पर अगर कोई हमारी गाढ़े खून पसीने की कमाई छीनेगा, तो उसे छीनने नहीं दी जाएगी। ये वो राक्षस हैं जिन्होंने अमृत पी के अमर होने का प्लान किया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इनकी सरकार को पूरा भारतवर्ष तोड़ेगा, गिराएगा। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजशाह रोड, जहाँ आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार सांसद हैं, उनके यहाँ पर, यहाँ से जो है LPG के रोज जो दाम बढ़े जा रहे हैं, उस पर ये लगातार ये लोग प्रोटेस्ट आज करने वाले थे, लेकिन इनको प्रोटेस्ट की जो है अनुमति शायद नहीं मिली है। भाई हमारे साथ जो है उन्हीं से जान लेते। सर, सबसे पहले नाम बता दें जी। मेरा नाम गौरव शारदा है, मैं आम आदमी पार्टी फरीदाबाद प्रवक्ता हूँ। आज हम बढ़े हुए कीमतों पे जो सिलेंडर की 50 रुपये बढ़ाए हैं, उसके लिए एक शांतिपूर्ण मार्च करने वाले थे, जो कि इन्होंने 144 धारा लगा के रोक लिया। इनसे हमने अनुमति लेटर भी लिया था, 2 दिन पहले इनको लिखित में दिया था, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आज जब हम, आज भी सुबह अगर बताते कि मत करना, तो हम नहीं करते। आज जब हम सब एकत्रित हुए हैं इस सभा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पैदल मार्च को, इन्होंने आगे 144 लगा दी। 6-6 फुट के बैरिकेड लगाए हुए हैं, 5 कंपनियों को बुलाया हुआ है, 1 कंपनी में कम से कम 12-12, 15-15 पुलिस वाले हट्टे खड़े हैं। हम कोई भारतीय गुंडा पार्टी हैं? हम आम आदमी पार्टी हैं, पढ़े लिखे शिक्षक हैं, और आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, तो ये हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा कर दिया गया? जब आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश में हर किसी को जो है दिया गया है अधिकार है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। कोई अगर आप लोग कुछ आगजनी करते हैं, तो ऐसे प्रोटेस्ट में जो है कब्जे में ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं या बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये आम इंसान के ऊपर जब दबाव बनाना चाहती हैं सरकारें, तो ऐसे ही करती हैं। ये तानाशाह सरकार है, इन्हीं की महिला श्री स्मृति ईरानी जी, जब 300 से ऊपर सिलेंडर गया था, तो सड़कों पर सिलेंडर लेके खड़ी थी। क्या उन्होंने अनुमति ली थी? आज इनकी 11-11 महिलाएँ मंत्रिमंडल में हैं, और ये गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे पैदल मार्च करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके, तो हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि आम इंसान जी पाए। पहले इन्होंने नौकरियाँ छीन ली, बेरोजगार बना दिया देश को, रुपए को ऐसी जगह धकेला है पाताल लोक में जो वो वापस नहीं आ पाता। आज रुपया 80 रुपये को टच कर रहा है, क्या मान पाओगे? $1.80, बंदा क्या करेगा? एक्सपोर्ट आपने ख़त्म कर दिया, इंपोर्ट आप होने नहीं देते। चाय बनाने के लिए, दूध उबालने के लिए गैस चाहिए था, वो भी आपने 50 रुपये बढ़ा दिया, सीधा 50 रुपये। तेल कंपनियों से इनकी साझेदारी हो रखी है, तेल बढ़ा देते हैं, 100-100 रुपए लीटर कर देते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होती हैं, और ये अपनी कीमतें बढ़ाते हैं और एक जुमलेबाजी करते हैं कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। अरे गैस तो हमारे देश में ही बनती है सर, उसको भी आपने 50 रुपये बढ़ा दिया। इनको चाहिए फ्री में, खुद इनको गैस मिलती है फ्री में, बिजली पानी मिलता है फ्री में। ये नहीं चाहते कि आम इंसान एक आम तरीके से अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से गैस पे अपना खाना बनाए और खा पाए, तो ये आम इंसान की आवाज़ दबाना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का हर युवा, हर एक नागरिक से अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलो, निकलो बंद मकानों से, और लड़ाई करो गद्दारों से। ये वो गद्दार हैं जो हमारे भारतवर्ष को कमज़ोर कर रहे हैं। इकोनॉमी को तो इन्होंने तोड़ दिया, युवा को भी तोड़ना चाहते हैं। घर में एक महिला 500 रुपये से जहाँ गैस का सिलेंडर लाती थी, 2-2 महीने गैस चलाती थी, आज वो 1053 रुपये का करने के बाद, क्या आप मान पा रहे हो कि बंदा 60 दिन खाना कैसे खाएगा? अगर दिन में 2 बार भी दूध उबालता है, तो कितनी गैस लगती है? एक ही महीने में गैस ख़त्म हो जाता है। घर में छोटे बच्चे भी हैं, काम है नहीं, और आप कीमतें बढ़ा रहे यार हो, तो इसके खिलाफ हमारा ये समर्थन हम नहीं देते। प्रधानमंत्री तो उज्ज्वला योजना भी देखिए उन महिलाओं के लिए दी गई है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है, गैस मिला है,
उस पर क्या कहेंगे, ये भी तो काम किया है ना। ये आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको फ्री सिम देता हूँ, जैसे जियो ने किया फ्री सिम दी, लेकिन आज उसके दाम कितने हो गए हैं, कम से कम 350 रुपये का एक पैक है। तो इन्होंने उज्ज्वला योजना तो करी, सिलेंडर तो दिया, लेकिन उसके दाम बढ़ा दिए। अब आप एक कनेक्शन लेने जाओ नया, जो कनेक्शन 1400 रुपये का मिलता था वो नया कनेक्शन अब 2150 रुपये का कर दिया, और एक नया गैस अगर आपको भरवाना है, गैस लेनी है, 1053 रुपये का कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? जिस देश में गैस बनती है उसी देश में आप इतना महंगा दे रहे हो। तो क्या उज्ज्वला योजना है? ये सारी योजनाएं सिर्फ मनगढ़ंत योजनाएं हैं, आंकड़ों में खेलना जानती है सरकार, लेकिन अब आम इंसान जाग चुका है और आने वाले 2024 में इनको पता लग जाएगा कि देश की जनगणना क्या कहती है। और युवा शक्ति जो है वो इस गैस के दाम को घटाने के लिए अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा है और इसको बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी मोदी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। आज इन्होंने 144 धारा लगाई, क्या हम आतंकवादी हैं? जो 144 इन्हें महाराष्ट्र में लगानी चाहिए थी जब इन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भंग किया, वो 144 यहाँ बना रहे हैं। वहाँ पे आप एमएलए खरीदते हो और यहाँ उनके पैसे बढ़ाने के चक्कर में जो पैसे आपने उन एमएलए को दे के अपनी सरकार बनाई है वो पैसे आप गरीब लोगों से उगाते हो, जिसकी एक एमएलए की कीमत कितनी हुई, 50 रुपये ही। मोदी जी, इस 50 रुपये से आप जो एमएलए खरीद के लाए हो ना, ये आपकी लंका को दहन बहुत जल्दी करने वाली है आम आदमी पार्टी। भाजपा समर्थक जो है वो तो ये कहते हैं कि भाई यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है उससे प्रभाव पड़ा है देश पे, उससे ही प्रभाव हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वहां पर से जब आयात निर्यात बंद हो जाएगा तो इसीलिए महंगाई तो बढ़ेगी। देखिए, जापान, रशिया, यूक्रेन और चाइना, चाइना की बात करूं, क्या उसमें प्रभाव पड़ा? क्या जापान में प्रभाव पड़ा? क्या जर्मनी में प्रभाव पड़ा? क्या अमेरिका को प्रभाव पड़ा जो इतनी सप्लाई दे रहा है? अमेरिका डॉलर के बढ़ने की क्या मंशा थी? क्यों हमारा रुपया पताल लोक में चला गया? क्या वहाँ यूक्रेन में उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया? आज अमेरिका पूरे जनसंघ से अपनी पूरी ताकत लगा के यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी इकोनॉमी क्यों घट रही है, हमारी क्यों नहीं घट रही? समझ रहे हो आप इस बात को? एक्सपोर्ट आपने जीरो कर दिया, इंपोर्ट आप होने नहीं देते, जो चीज़ें आती हैं फसलें वो महंगी कर देते हो। पहले किसानों को तंग किया, अब युवाओं को तंग कर रहे हैं, नई नई योजना ला रहे हैं, मनगढ़ंत योजनाएं, ये सोच रहे हैं शक्तिमान है, घूमेंगे और जादू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भारतवर्ष को एक सिस्टम की जरूरत है, पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है बड़े लेवल पे। इस 50 रुपये को घटाना पड़ेगा और सिलेंडरों के दामों को दोबारा अपनी पुरानी कीमतों में कम से कम 300-400 रुपये घटाने पड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा जो अभी इकोनॉमी चल रही है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। ये तो दयनीय हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से देश के हालात हैं अब, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही है सड़कों पर। देखिए, लगातार लिंचिंग हो जा रही है, मुसलमानों को जो है अंदर डाल दिया जा रहा है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पूरे अराजकता फैलाना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन भारतवर्ष एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, यही आम आदमी पार्टी का एक नारा है और इसी नारे पे हम खड़े हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के हम सिद्धांतों पे चलते हैं, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को हम फॉलो कर रहे हैं, हम जातिवाद पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हम सक्षम हैं अपनी रोटी कमाने के लिए, पर अगर कोई हमारी गाड़े खून पसीने की कमाई छीनेगा तो उसे छीनने नहीं दी जाएगी। अभी जो हत्या कांड हुआ है उदयपुर का, उसमें बीजेपी का जो है साथ निकल के आ रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वहाँ से आपके मंच से तो जो है कुछ भी कहा नहीं गया, कोई नेता सामने आके नहीं बोल। ये उसका सबसे पहला ट्वीट हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल ने किया था, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि इस आरोपी को, जो भी इसमें आरोप लिप्त हो रखे हैं, उन सबको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर यही चीज़ अभी दिल्ली में होती तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 2 दिन में इसका फैसला हो जाता, लेकिन ये हुई है बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर, इनकी एक नीति बनी हुई है। जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है वहाँ ऐसे मुद्दे उठाओ, आंदोलनों को दबाओ और जातिवाद को बढ़ावा दो, ताकि वहाँ लोग क्या रहें, परेशान रहें जातिवाद को लेकर। और आम जो दिक्कतें हैं, जो महंगाई की दिक्कतें हैं, जो बेरोजगारी की दिक्कतें हैं, वो आम इंसान उससे वंचित रहे। तो ये जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है भारतवर्ष को बनाने का, वो अब और नहीं चलेगा। अब लोग जान चुके हैं अमृत वर्ष क्या होता है, वो अब 2024 में इन्हें पता लग जाएगा जो ये बनाना चाह रहे हैं। अमृत महोत्सव तो बन रहा है। देखिए, जिस देश में पीने का पानी स्वच्छ नहीं है, बिजली 24 घंटे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, काम करने के लिए रोजगार नहीं है, वहाँ कौन सा अमृत दे रहे हो आप? ये सारा अमृत खुद पीते जा रहे हैं। ये वो राक्षस हैं जिन्होंने अमृत पी के अमर होने का प्लान किया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इनकी सरकार को पूरा भारतवर्ष तोड़ेगा, गिराएगा और 2024 में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी देश के लिए।
देश के संगठित तरीके के लिए। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं। अभी यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन हाउस अरेस्ट कर दिया गया, आपको बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्या यही हालात है आप पार्टी के? ये आप पार्टी के पहले नाम बताइए। मैं, मेरा नाम हरदीप बेलरखा है, मैं यूथ उपाध्यक्ष हूँ नरवाना विधानसभा से। ये आम आदमी पार्टी के हालात नहीं, आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी जब इन सड़कों पे उतर रही थी तो कैसे इस प्रकार से, जितने लोग तो यहाँ प्रदर्शनकारी भी नहीं थे, उससे तो ज़्यादा यहाँ पर पुलिस खड़ी कर दी और उनको पुलिस वैन में भर भर के गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये लोग आम आदमी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, एक तानाशाही हिटलर राज यहाँ पे करना चाहते हैं कि हमारा राज हो, इलेक्शन बंद हो, सब चीज़ें खत्म है, एमसीडी का इलेक्शन हो नहीं दे रहे हैं। तो जैसे भी इनको इनको अपने चाम के, जैसे कहते हैं कि चाम के सिक्के, वो चलाने से मतलब है। अभी ये जो एलपीजी के दाम बढ़ने पर अब जो है अब सामने आए हैं, लगातार देश में इस तरीके के कई मुद्दे उठ रहे हैं, मार काट हो रही है, हिंदू मुस्लिम उदयपुर हत्याकांड हो, चाहे किसी भी, हालात बहुत ख़राब हैं, उस पर आप लोग सामने नहीं आते? बीजेपी यही तो चाहती है, यही तो चाहती है कि हम लोग इन मुद्दों में भटक जाएं, हम लोग इन मुद्दों में लग जाएं, और जो नीचे नीचे जो कभी कोई कानून निकाल देती है, कभी अग्निपथ योजना 4 साल की कर देती है, कभी कुछ कर देती है, कि उन मुद्दों पे लोगों का ध्यान ना जाए, तो वो तो यही तो चाहती है। हम उनसे बचना चाहते हैं कि लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जीवन मूल्य है लोगों को, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उनकी आवाज़ हम उठाएं। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, हम, हमारे लिए तो सारा हिंदू, सारा भारतवर्ष एक है, सभी उसमें रहते हैं, हमारे आसपास में बहुत मुसलमान भाई रहते हैं। जब मेरे को कोई शाम को अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे को भाजपा बचाने नहीं आएगी, मेरे को मेरा मुसलमान भाई उठा के ले जाएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करके ऐसे एक प्रदर्शन करे, वहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे 144 नहीं लगी, यहाँ पे चंद लोग इकट्ठे हुए गैस के दामों को लेकर, यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी। तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम करती है और मुद्दों से भटकाना चाहती है। आप पार्टी तो जो सड़कों पर दिखी नहीं रही है, रोड पर, ज़मीनों पर दिखी नहीं रही है, कैसे दिखेगी? आप देख लो, अब यहाँ पे हम इकट्ठा हुए थे, हमने बाकायदा परमिशन ली थी कि हम ये इसके बारे में शांतिपूर्ण मार्च करना चाहते हैं। बाद भी जो है आपको करने नहीं, बिल्कुल नहीं करने दिया, आपके सामने है। हम जब यहाँ पे पूरी तरह से इकट्ठा हो गए चलने की तैयारी, तो यहाँ पे पुलिस ला के खड़ी कर दी। कम से कम आप देखो बाहर 100 से 150 गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं, और अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं मार्च के लिए तो उनको वैन में भर भर के पुलिस थाने ले जाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से एलपीजी के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम, वही स्मृति ईरानी लगातार सिलेंडर को लेकर जो है 10 रुपये भी बढ़ते थे तो रोडों पर उतर आती थी, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी जब ये प्रदर्शन करने जाती है तो इनको यहीं पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अभी और भी लोग हैं, जान लेते हैं उन्हीं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र नेहरा जी। विजेंद्र जी, क्या हालात हो गए हैं आप पार्टी के, इतनी विशाख गिर गई है, क्या प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा? ये तानाशाही सरकार है, ये किसी को दबाने की कोशिश कर रखी है, सभी को, आम जन को, हर आदमी को दबा के राज कर रहे हैं, दबा के राज कर रहे हैं। तो आप लोग भी तो जो है सामने दिख नहीं रहे हैं ना? नहीं, ये पुलिस के सामने ताकत एक आम आदमी की थोड़ी होगी, तो किसकी होगी? सत्ता में तो है ना अब भी, दिल्ली सरकार तो आपकी है, सरकार इनके हाथ में है, इसलिए पुलिस का सहारा लेके हर एक आदमी को दबाया जा रहा है। तो ये जो दबाव हो रहा है, जब आप लोगों के साथ हो रहा है, तो आम जनता क्या करे सर? क्या करे, कुछ ना, लाचार है बेचारे, जनता क्या करेगी इसमें? महंगाई से मार दिए, शिक्षा से मार दिए, हर चीज में अलग अलग तरीके से, कहीं जात के, कहीं धर्म के नाम पे ये राज कर रहे हैं। तंग तो आ चुकी है दुनिया, आज देखा नहीं आपने कितना जनसैलाब यहाँ पे आया हुआ है? जनसैलाब तो अब खत्म होता दिख रहा है यहाँ पे, इनको जो है आगे बढ़ने की नहीं, और आगे बढ़ जाएगा, आगे प्रदर्शन होंगे, इससे बड़े बड़े आंदोलन होंगे। सीएम साहब तो भगवंत मान जी की शादी एंजॉय कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? हम भेज दी उसने यहाँ पे, अपनी उसकी जिम्मेवारी हम निभाएंगे यहाँ पे। अच्छा। कोई बात नहीं, तो जिम्मेवारी तो आपकी कहीं दिख नहीं रही है लोगों पे, जिस तरीके से देश के हालात आपको मालूम ही होगा, मुझे तो बताने की जरूरत, मेरे को नहीं, आपको ही मालूम, आप भी आवाज़ नहीं उठा रहे उस चीज़ की, आप भी उठाओ उसकी आवाज़, जो उठा रहे देश, क्या जो देश के हालात आपको पता, उनकी आवाज़ आप भी उठाओ। तो कैसे उठेगी, आप लोग पार्टी में हैं तो कैसे उठेगी? आप जनता के साथ और जनता आपके साथ मिलके इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे तो आम आदमी, तो आम आदमी की जो साथ दे ही रहा है, लेकिन पार्टी जो है वो कब साथ देंगी आम आदमी का? नहीं देने लग रही पार्टी तो, हमारे तत्पर खड़ी है हर जगह, खड़े हैं सर यहाँ पर हाउस में, हाँ बाहर सड़कों पर उतर कर नहीं, हमारे नेता ने गिरफ्तारियाँ भी दी है, अभी
उन सब पर क्या कहना चाहेंगे जो अभी देश में हो रहा है, लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी जो है सामने आकर नहीं बोलती, विपक्ष आ जाता है, राष्ट्रवाद और आतंकवाद का जो है दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उदयपुर का हुआ, चाहे लश्कर ए तैयबा के जो चीफ निकल के आए हैं उस पर आप लोग नहीं बोले। ये बीजेपी के आदमी हैं, ये अपने आदमियों से करवाते हैं, फिर इसको कहीं आतंकवाद बोलते हैं, कहीं धर्म का नाम देते हैं, इन्हीं के आदमी हैं, षड्यंत्र रच के एक ही प्रकार का काम किया जा रहा है पूरा देश में। तो आम आदमी जो पार्टी है वो प्रचार प्रसार में लगी है खाली क्या? नहीं, आरोप लग रहे हैं आप पे, अरबों खरबों का आप भी प्रचार प्रसार पर जो है खर्चा कर रहे हैं, टीवी रेडियो अखबार पर। नहीं, प्रचार तो पार्टी अपना तो करेगी, फिर इतना हर उसमें जो सरकार ने किया है बहुत गलत किया है, कहीं बुलडोजर चलाती है, कुछ नहीं है, ये हिंदू का भी देश है, मुसलमान का भी देश है, ईसाई का भी। सुनकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं सर? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए देश में, सभी का आजाद देश, सभी का देश है ये। तो आपके कहने से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए से क्या होगा, बुलडोजर तो चल रहा है आज भी। नहीं, फिर वही तो क्या कह रहे, न्यायपालिका ध्वस्त हो गई है क्या? अब न्याय जो है बुलडोजर से होगा? नहीं, बुलडोजर से नहीं होगा। संविधान को माना जाए कि नहीं माना जाए? नहीं माना जाए। माना जाएगा सर, कैसे माना जाएगा फिर बताइए। नहीं, आपका कहने का क्या तात्पर्य है बताओ मेरे को? तात्पर्य ये है कि सर आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आम जनता के बीच में आप भी आश्वासन दें, या फिर इस तरीके से सामने उतरे, उनके साथ उतरे, पर आप लोग कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, उतरने नहीं दे रही ने, फोर्स का, कहीं पुलिस का, सभी का सहारा लेके ये एक आम आदमी को रुकआउट कर रहे हैं, नहीं कहीं प्रदर्शन करने दे रहे, नहीं कहीं आंदोलन करने दे रहे। तो ऐसे ही इसका समाधान क्या है फिर? समाधान तो ये है कि तो महंगाई पे सबसे ज़्यादा रोक लगाई जाए, शिक्षा पर रोक लगाई जाए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, यही समाधान है। समाधान पूछ रही हूँ सर कि कैसे होगा, ये देश के हालात हो रहे बन रहे हैं, तो उसका समाधान क्या निकलेगा? नहीं, ये तो इन्हीं को सोचना चाहिए, बीजेपी वाले को, इन्हीं को सोचना चाहिए। एक बार देश, हाँ, ये कहीं तो अपने आदमी भेज कर कहीं दंगा करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, ये खुद क्या आदमी? बीजेपी ही करवा रही है दंगा आपका? एक मैन इसी को। चलिए, अभी हमने इनसे भी बात करी, और भी लोग हैं अगर कुछ पूछते हैं, उनसे जानना चाहते हैं सर क्या कुछ हुआ है, आप लोगों को बार बार जो है हाउस के अंदर बैठे हैं तब भी आपको जो है इतनी परमिशन नहीं दी जा रही। देखिए, तानाशाही रवैया है मोदी सरकार का, तानाशाही रवैया है, सामने जो बात भी करने नहीं दी जा रही है, यही तो तानाशाही रवैया है। पत्रकार पर बंदूक का पहरा है, हर चीज पर बंदूक का पहरा है, बिल्कुल जो डेमोक्रेसी उसको खत्म करने पर तुली हुई है मोदी सरकार। चलिए, अभी जो है हमें बात भी नहीं करने दी जा रही है, इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है, लगातार इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, सत्ता में बैठी सरकार जो है तानाशाह हो गई है। क्या इस तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की क्या किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस आज़ादी को भी ध्वस्त कर दिया जा रहा है। सोचिए, इनको यहाँ पर धारा 144 के तहत अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, बात करने जाते हैं तो हमार को भी मना किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से ये देश का माहौल बन रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए कहाँ जा रहा है। इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे साथ मेरे सहयोगी फैजल के साथ में पूजा, दिल्ली, फिरोज़शाह रोड।